नमस्कार, ये एफटी न्यूज 24 में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। लाल पठार कुएं हादसे में घायल मनोज नाथ की मंगलवार को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। गुरुवार की दोपहर 4 बजे क्षेत्रीय विधायक लीना जैन, एसडीएम रोशन राय पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। वह विधायक ने परिवार से काफी देर तक चर्चा की और सरकार से हर संभव मदद कराए जाने की बात कही। दोपहर करीब 4 बजे बरसते पानी के बीच क्षेत्रीय विधायक लीना जैन लाल पठार पहुंची, जहां उन्होंने परिवार को सांत्वना दी। इस दौरान विधायक लीना जैन ने कहा कि परेशानी अब भी परिवारों का पीछा नहीं छोड़ रही है। 15 जुलाई को कुएं के हादसे में नाथ परिवार के सबसे छोटे बेटे नरेश नाथ का निधन हो गया था। वहीं इस घटना में घायल हुए इसी परिवार के सबसे बड़े बेटे मनोज नाथ का निधन मंगलवार को हमीदिया अस्पताल में उपचार के दौरान हो गया था। उन्होंने बताया कि इस परिवार में ये दोनों ही कमाने वाले थे, जिनकी वजह से परिवार का भरण पोषण होता था, लेकिन अब इस परिवार के दोनों ही कमाने वाले इस दुनिया में नहीं है। भगवान इस परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। विधायक लीना जैन ने कहा कि कुएं हादसे में जो भी मृत हुए थे उन परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा सहायता राशि दे दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि इस परिवार को भी 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अभी हमने 4 लाख की राशि के लिए अनुशंसा की है। शुक्रवार को एसडीएम रोशन राय पीड़ित परिवार को 50,000 की राशि का चेक देंगे और आगे जो भी संभव मदद होगी वो परिवारों को दी जाएगी। इस मौके पर भाजपा नेता गोविंद पटेल, राम नारायण मीणा, उदय रघुवंशी, शिव नारायण दुबे, महेश रघुवंशी, उमेश शर्मा मौजूद थे। अभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। एक नाथ परिवार से व्यक्ति जो घायल था, अभी तक भोपाल हॉस्पिटल में था, परसों उसकी मृत की खबर आई और कल उसका दाह संस्कार हुआ था। परिवार वाकई बहुत दुखी है, क्योंकि पहले एक बेटा खो चुका था और एक बेटा अब खो दिया है। ईश्वर परिवार के साथ रहे। ईश्वर बस इस दुख की घड़ी में अपना आशीर्वाद इस परिवार के साथ बनाए रखे। अभी हम लोगों ने अनुशंसा पत्र दिया है, जो कि राशि सभी को दी गई थी, वही राशि इस परिवार में भी दी जा रही है 5 लाख की। अभी हम लोगों ने 4 लाख का अनुशंसा पत्र दिया है। कल एसडीएम साहब आके 50,000 का चेक देंगे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब ये हादसा हुआ था तब घोषित की थी और सारे परिवारों को ये राशि पहुंच चुकी है। इस परिवार में आज ये राशि हम लोगों ने पहुंचा दी। भैया, इस परिवार में 3 बेटे थे, उसमें एक शायद मानसिक रोगी है, 2 चले गए हैं। वाकई बहुत दुखद है। पिता बुजुर्ग हैं। आगे जो भी सरकार की तरफ से मदद होएगी वो हमेशा होती रहेगी। यूएफटी न्यूज 24 के लिए विदिशा से मिठुलाल की रिपोर्ट।